तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर और BTP डिजिटल एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के बारे में। जी हाँ, आप सबको पता है कि अगर आप डिफार्मा कंप्लीट भी कर लेते हैं तो जब तक आप काउंसिल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक ना तो आप कहीं जॉब कर सकते हैं, ना तो आप अपना खुद का जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में एक बड़ी अच्छी बात आई है कि सबसे पहले कि जो है यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहले आपको काउंसिल पे जाना पड़ता था लखनऊ, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका अपने यहाँ से ही बैठे बिठाए सब कुछ हो जाएगा। कैसे, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आज का न्यूज़पेपर है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया फार्मासिस्ट काउंसिल में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। प्रदेश में फार्मासिस्ट के पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा जो है शुरू हो गई है। अब किसी को पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए लखनऊ स्थित मुख्यालय नहीं जाना होगा। अब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर ही पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि बीफार्मा की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को लखनऊ स्थित फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर पंजीकरण कराना होता है। वहीं हर साल बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट जो है नवीनीकरण कराने के लिए काउंसिल आते हैं, क्योंकि बिना फार्मासिस्ट पंजीकरण के जो है आप ना तो फार्मेसी खोल सकते हैं और ना ही नौकरी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ और समझ लीजिए छात्रों के हित में। अब अपना आप रजिस्ट्रेशन करिए और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे है, ये ऑफिशियल साइट पे आएंगे तैसे यहाँ पे ये एक PDF दिखेगा। अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करना है कर लीजिए और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये पूरा फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। और ये अपडेट आपको कैसा लगा कि आपको कहीं जाना नहीं, आपको घर बैठे ही अपना सारा जो है यहाँ पे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, बाय बाय। और इससे रिलेटेड नर्सिंग से आप डिफार्मा से रिलेटेड और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके गाइस, बाय बाय।